ड्रेस ऑर्डर कर लूं? दिखाओ ये वाली। अरे ये तो सिर्फ 3,000 की है, तुम अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में 5 स्टार में जाओगी और इतनी सस्ती ड्रेस पहन के जाओगी। बैठो मैं देखती हूँ। देखो ये वाली ड्रेस करो ऑर्डर। वाओ इतनी सुंदर ड्रेस, पर ये तो 10,000 की है ना? तो क्या हो गया बेटा, मेरी बेटी की ड्रेस बर्थडे गर्ल की ड्रेस से भी ऊपर होनी चाहिए। मेरी बेटी की ड्रेस है, कोई मजाक थोड़ी ना है कि कुछ भी सस्ता सा पहन के चले जाओ। नाना तुम इसको कार्ट में डाल दो, मैं पापा का क्रेडिट कार्ड लेकर इसको ऑर्डर कर दूंगी। ओके मम्मा। मम्मा। हाँ जी बेटा। मुझे 500 रुपए दे दो ना। 5 रुपए शिनाया? हाँ जी मम्मा। बेटा 5 रुपए में क्या आता है आजकल? मम्मा मैंने और स्वाति ने कल समोसे खाने जाना था तो। बेटा बेटा अपने स्टैंडर्ड वाले लोगों से दोस्ती करा करो, क्या स्वाति के साथ दोस्ती करके बैठी हो? उस बेचारी को तो देखकर ही कितना तरस आता है, कितनी गरीब सी है वो। हाँ और कपड़े भी इतनी सस्ते सस्ते गंदी गंदी पहनती है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे कभी दोस्ती नहीं तोड़ने वाली। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं दे रही हूँ पैसे, दे रही हूँ, हम कुछ नहीं कह रहे। ये लो 500 रुपए, 5 रुपए नहीं। अगर दोस्ती अपनी स्टैंडर्ड की लोगों से नहीं कर सकती तो कम से कम अपने स्टैंडर्ड की जगह पे जाके खाना खाना। कल उसको किसी कैफे में ले जाना और वहां जाके खाना खाना, ठीक है? 5 रुपए समोसे। शिनाया क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? पापा मैंने मम्मा से 5 रुपए मांगे थे पर मम्मा ने मेरे को 500 रुपए दे दिए। पर बेटा तुम्हें 5 रुपए की क्या करना था? मेरे को कल स्वाति के साथ ना समोसे खाने जाने थे पर मम्मा ने कहा कि आपको किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए। तो आप महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहते? नहीं पापा, स्वाति हमारी तरह रिच नहीं है, अगर मैं उसे किसी महंगे कैफे में ले गई तो उसको लगेगा कि मैं उसके सामने शो ऑफ कर रही हूँ। बात तो ठीक कह रही हो तुम। अगर वो समोसा ही अफोर्ड कर सकती है तो मैं उसके साथ एक समोसा नहीं खा सकती? वो भी तो मेरे लिए कितना कुछ करती है। शाबाश मेरे बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने आज बहुत जबरदस्त बात कही है शनाया, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये लो 5 रुपए और जाओ उसके साथ समोसा ही खाना। थैंक यू पापा, ये लो 500 रुपए, ये मुझे नहीं चाहिए। बेटा आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू, शाबाश, जाओ। लेटर। हेलो, हाय नीना, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? हाँ हाँ कल का प्लान बिल्कुल पक्का है हमारा 5 स्टार में लंच का। क्या सुनीता भी हमारे साथ जाएगी? ओहो उसको क्यों लेकर जा रहे हो? अरे वो इतनी महंगी जगह अफोर्ड थोड़ी ना कर सकती है। हम 5 स्टार में जाके 500 रुपए की कॉफी पियेंगे और वो हमारे सामने बैठ के हमारी शक्ल देखेगी। अरे हम क्यों अपनी जगह चेंज करें उसकी वजह से? लेकर जाना ले जाओ, बट हमारा भी तो कोई स्टैंडर्ड है, हम नहीं अपनी जगह बदलेंगे। मुझे नहीं पता, अगर ऐसी बात है तो प्लान कैंसिल कर दो। हाँ कर दो। अरे पुनीत। हाँ जी। आज ना मेरे लिए डिनर मत बनाना, मैं ना बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ डिनर पे। अच्छा कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलूं, मेरा अपना प्लान तो कैंसिल हो गया। हाँ हाँ चलो ना, क्या दिक्कत है, एक बगल में एक नया ढाबा खुला है, हम सब वहाँ जा रहे हैं डिनर पे। रमनीक ढाबे पे? प्लीज यार रमनीक प्लीज, कुछ तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चला करो। अरे इसमें स्टैंडर्ड की बात कहाँ से आ गई, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कहीं भी करें। फर्क पड़ता है रमनीक, फर्क पड़ता है, इंसान को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उठना बैठना चाहिए। और सच बताऊं मुझे तो आपका ये दोस्त भी नहीं पसंद। अब मेरे दोस्तों की बात कहां से आ गई इसमें?
आपके इन्हीं दोस्तों को ना उठना बैठना आता है, ना खाना आता है, ना पहनना आता है। पुनीत, मैं पैसे देकर दोस्तियां नहीं करता। हाँ हाँ मुझे पता है, तभी तो आपके इतने गरीब दोस्त हैं। और आप ये सेम पटिया ना आप शनाया को पढ़ा रहे हो, तभी तो वो स्वाति को नहीं छोड़ती। आपने मेरी फ्रेंड्स देखी है, नीना, जैस्मिन, सबका एक से बढ़कर एक स्टेटस है। मैं तो तंग आ गया हूं, वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा कौन किसका है और किसका नहीं। नीना, हाय नीना, क्या सुनीता का प्लान कैंसिल हो गया? ये हुई ना बात, तो इसका मतलब अब सिर्फ तू और मैं जाएंगे कल 5-स्टार होटल में लंच करने। यूहू, ये अब आएगा ना मजा। ओके बाय। लेटर। मम्मा, आपको पता है कल जब जिया का बर्थडे था, क्या ग्रैंड पार्टी थी। आपको पता है वो मुझे कह रही थी कि वो जो डेकोरेटर्स थे ना, वो मुंबई से आए थे। वाह, और एक बात बताओ, खाने में क्या क्या वैरायटीज थी? ओहो भाई, मजा आ गया था। इंडियन, मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीज, सब कुछ। रमनीत, मैं सोच रही थी हम इस बार अनान्या का बर्थडे कोई अच्छे से 5-स्टार में करें। ये है ना अच्छा आइडिया है ना। हेलो, हाँ स्वाति, हाँ ठीक है। क्या हुआ शनाया बेटा, किसका फोन था? स्वाति का। कल हम दोनों मिलकर पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं, तो कल आप एक उसके घर छोड़ दोगे? हाँ हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं, लेकिन आप वापस कैसे आओगे? उसके पापा स्कूटर पे मेरे को ड्रॉप कर देंगे। है? What? स्कूटर पे? शनाया, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी कार्स हैं और तुम स्कूटर पे आओगी? यू ये। अरे तुम रहने दो शनाया बेटा, कोई बात नहीं, आप अपना प्लान बना लो, आप अपनी तैयारी कर लो। तो फिर मैं बैग में बुक्स डाल लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ हेलो। हाँ भाई। मम्मा, इस स्वाति का ना कुछ करना पड़ेगा। Later. शनाया। आई मम्मा। लगता है शनाया इस रूम में नहीं है, अच्छा मौका है। मिल गया शनाया का फोन। स्वाति, आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो, इसीलिए मैं कल तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती और कभी तुमसे बात भी नहीं करूंगी। मैसेज सेंड। अब आएगा मजा। अब लगता है शनाया के फोन से स्वाति का मैसेज चला ही गया। अब फाइनली शनाया का स्वाति से पीछा छूटा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनन्या सियान को राखी नहीं बांधेगी, पार्ट 4 लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीक सिंह 1313 पे। फैसला देखो तो सही, वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 बाय।